हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक सेकंड, आपने बोला कि आपका पेटीएम नहीं चला, वो समझ में आया, लेकिन आप अभी बने हुए हैं या फिर निकल रहे हैं इस वो ये हाँ बिल्कुल ठीक है स्टोरी। उसमें उसमें ऑब्वियसली देयर इज अ लॉस ऑफ बिजनेस। इट इज वर्थ 30% लेट्स से। हाँ सो 30% मींस आप जैन एंड की प्राइस में 30% डिस्काउंट कर दो, 40% कर दो। उस वक्त आई थिंक 600 एंड समथिंग थी प्राइस। सो आप 30% उसका लॉस ले लो, बाकी में क्या आप कह सकते हो। बंद थोड़ा कर दिया किसी ने कंपनी को। उन पहले आप देखिए कि जो बाकी पेमेंट कंपनीज हैं उसमें भी बैंक नहीं होते। ये तो ना कि हर पेमेंट कंपनी के पास बैंक है अपना, फोन पे का अपना बैंक थोड़ी ना है। इन्होंने एक्स्ट्रा करके बैंक भी लेने की कोशिश की या बनाने की कोशिश की, चलो वो फेल हो गया। उसमें जो प्लस माइनस होगा उसके जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट थे वो गए, क्योंकि आपने वॉलेट का लाइसेंस गिव अप कर दिया थिंकिंग कि आपके पास बैंक को मिल गया है। तो वो अब 300-400 करोड़ का लॉस हो जाएगा। लॉस मीन्स रिलेटिव टू से हैविंग इट, तो दैट इज 1/4। आप 25% कम कर दो स्टॉक प्राइस। अब आप कहो कि उन्हें केवाईसी नहीं किया। केवाईसी आप बुलाओ, 20-20 हजार रुपए की वॉलेट है। और केवाईसी होती है, लेकिन अगर आप कोविड में आपके बंदे आए, डीमॉन में बंदे आए, उसमें आपने थोड़ी केवाईसी नहीं की, तो बैंक बंद होना है बिग डील। बट अब हो गया, अब क्या कर सकते हैं। सो यू मूव ऑन इन लाइफ, बट इट इज नॉट वर्थ कि हमें निकाल दो ताकि कोई हमारे देख ना ले कि हमारे पास शेयर है, फिर वो कहेंगे क्यों लिया। ऐसे नहीं, हम डरते किसी से। ये मेरे ख्याल से आज की बाइट ऑफ द मॉर्निंग मानूंगा मैं, क्योंकि एक थोड़ी सी कॉन्ट्रा अप्रोच है यहाँ पर समीर जी की तरफ से, कि अभी भी यहाँ पर उनके हिसाब से स्टोरी एकदम इंटैक्ट है, तो उसमें बने नहीं, रहेंगे। इंटैक्ट नहीं है, इंटैक्ट नहीं है, बट 30% 40%, तो 30% तो सपोज वेस्ट हो गया, लॉस हो हाँ गया, हाँ हाँ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी या पोटेंशियल। तो इंटैक्ट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। बट अगर 3-3.5 बिलियन डॉलर की कंपनी में $1 बिलियन कैश हो और एक और कंपनी हो फोन पे जिसके पास भी बैंक नहीं है अपना, और उसकी मार्केट वैल्यू एक्चुअल थर्ड पार्टी, तो कि नॉट जस्ट वॉलमार्ट, उसकी वैल्यू 12 बिलियन, ये मुझे थोड़ा नाजायज लगता है। बिकॉज अगर पेटीएम का स्टॉक रियली गिर जाए और गिर जाए, तो प्लीज नोट कि 5 साल तक एक भी फिनटेक पब्लिक नहीं जा सकता। ये तो सिंपल रूल्स ऑफ थंब, रूल्स ऑफ लाइफ होते हैं, वंस इन अ व्हाइल वायलेट हो जाते हैं। लेकिन जब तक लिस्टेड कंपनी नहीं चलेगी, तो आप सोचो कि 50 कंपनियों का अगर कोई प्लान है, 15 उनमें से पब्लिक होंगी और 15 टेक ओवर होंगी एक दूसरे से, एक भी नहीं हो सकती चीज। क्योंकि आप कैसे बोलोगे नेक्स्ट फिनटेक को कि 200% उन्हें केवाईसी क्या दिखा पहले, हो ही नहीं सकता ना ये काम। या तू 100% दिखा कि तेरा कोई वायलेशन नहीं है सिमिलर टू दैट, तो वो तो पूरा पूरा स्टॉल हो जाए। तो इसलिए रियलिटी में क्या होता है कि हर कंपनी में किसी में कुछ इशू आता है, किसी में कुछ होता है। वो एज लॉन्ग एज फ्रॉड नहीं हुआ, कोई कस्टमर का लॉस नहीं हुआ, कोई जो आपने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या केवाईसी हुआ है, उसमें आपने ब्लैक एंड व्हाइट में 100 आदमी पकड़े नहीं कि उन्होंने कोई ऐसी बड़ी चोरी की है जिससे आदमी की मॉरल कॉन्शियस शेक हो जाए या लगे कि टॉप मैनेजमेंट अपने आप मिली हुई थी और कुछ हो रहा था, देन इट इज डिफरेंट। अदरवाइज यू नो एवरी कंपनी, आप देखो रोज किसी बैंक अकाउंट में पता लगता है कि किसी ने वहां पैसे भेज दिए, किसी ने दुबई भेज दिए। अब दैट इज द नेचर ऑफ दिस बिजनेस। अब क्या करें इसमें, इसके लिए आप 20-30% कंपनी का स्टॉक गिराओगे ठीक है, बट नॉट कि बंद होगी इस पॉइंट पे।